सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज फिर पहुंच रहे हैं ताऊ समुंदर लाठर दौरा। तो देखो जब हमने ताऊ की संघर्ष की कहानी डाली थी ना, तो बहुत सारे मर्दरों फोन भी आए और कमेंट भी बहुत बढ़िया बढ़िया आए कि समुंदर ताऊ लाठर तुम्हारा भी मिलन नजीक रहा है। तो भाई आज फिर पहुंच गए हैं, क्योंकि जो उदन की वीडियो थी ना, उस वीडियो में मतलब पूरा नहीं होया। आज फिर कुछ और चीजें हैं, जिसने अपनी माँ के गिला गोबर भी गिरा। और आज अगर बात करें तो न्यूना बेरा घर में कितने नौकर चाकर घूमे है। राम राम ताऊ। राम राम बेटा। ताऊ सबसे पहले तो फोन इतने आओ आप खातर के पूछो ना बेटा। ऐसा है, फोन तो मेरे पास भी आते हैं और मेरा बोर्ड पढ़ के यहाँ भी आते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, नरवाना शागर द्रोदी गांव से एक आदमी सुबह सुबह यहाँ पहुंच गया। मैं तो सोचा यहाँ प्लॉट लेने आया होगा, और उसने मेरे को फोन किया, कहता जी मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। मैंने उसका नंबर भी नोट किया और मैंने कहा भाई मैं तेरे गांव में भी आऊंगा। लेकिन मुझे बड़ा महसूस हुआ, 45-50 किलोमीटर से एक आदमी यहाँ पहुंच गया और मैं यहाँ था नहीं, तो मुझे बड़ा महसूस हुआ। फोन तो मेरे पास भी आते हैं बेटा। देखो तो मिलने की इच्छा है ना बहुत सारे लोगों की आपसे, तो एक बात न्यू बता दो, अगर आप तो मिलना हो ना तो क्यों कर मिलना पड़ेगा? देखो मिलने का तो मेरा ये एक स्थान है, मैं यहाँ घंटा दो घंटे के लिए डेली आता हूँ, और मोर ओवर मैं शाम को आता हूँ 4-5 बजे के बाद। बाकी यहाँ आदमी है, वो नंबर भी दे देगा अपना, उस नंबर पर पूछ के आप आ भी सकते हो। लेकिन मैं इतने क्वेश्चंस का, इतने फोनों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कारोबारी आदमी हूँ, मुझे काम करना होता है, तो मैं सबके जवाब नहीं दे पाता। मिलना है तो किसी ने, ये मेरा यूनिवर्सिटी के ठीक सामने सेक्टर 15 संकल्प सिटी के नाम से मेरा ये लाइसेंस है, हुड्डा का सेक्टर 15 है, और इसमें आके मेरा आदमी 24 घंटे रहता है। इससे आके आप संपर्क करके किसी टाइम भी मेरे से टाइम फिक्स करके मिल सकते हो। मिलने में मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं काम कारोबारी होने के नाते मैं एक ऐसा ही व्यवस्था रख रखी कि कोई यहाँ आके मिल ले और कहीं नहीं। अच्छा तो देखो उस दिन हमने मतलब युवा पे बहुत बात करी और बताए हुए आपने कि किस प्रकार तक कोई भी युवा किस प्रकार तक सफल हो उसका है। लेकिन अगर बात करें, एक वो जमाना था आपके टाइम का, एक आज का जमाना है, तो पहले तुम बता दो फर्क कितना आ गया? देखो फर्क तो क्या है, पहले का जो सिस्टम था वो इतना हाइक नहीं था, इतना एडवांस नहीं था, ठीक है। लेकिन पहले क्या सोशल सिस्टम कस्टम जो बहुत बढ़िया होते थे, जो सामाजिक रीति रिवाजों में समाज बंधा हुआ था, पूरे गांव का, गांव के अंदर एक आदमी भी गांव से डरता था कि वे मेरे प्रति कोई गांव की गलत बात ना हो जाए। मैं पहले हुक्का पानी बंद किया करते अगर कोई गलत करता था तो। अब वो सिस्टम बिल्कुल ही अलग हो गया, अब तो माँ बाप से भी मतलब मैं क्या कहूँ डरना बंद कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह की जो स्थिति आई है, इस स्थिति से अब पहले और आज में अगर कंपेरिजन करोगे तो देर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस, इतना डिफरेंस हो गया कि ये किसी पैमाने से नापे नहीं जा सकता। तो देखो अगर महिलाओं की बात करें ना, मतलब एक टाइम था कि मतलब उस टाइम पे महिलाएं बाहर जाकर काम ना करया करती, लेकिन आज पढ़ी लिखी और काम भी कर रहा है। देखो महिलाओं ने जो अपने आप को तैयार किया है हर वर्ग के लिए, वो सराहनीय है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं, मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में हर साल 95% की अगर 6 बच्चे हैं तो उनमें से 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही हैं और बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो गई हैं, और जितनी परसेंटेज पास परसेंटेज CBSE की देख लो, बोर्ड की देख लो, कहीं की भी देख लो, लड़कियों की जो पास परसेंटेज है या नंबरों की परसेंटेज है लड़कों से आगे जा चुकी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, महिला आज कंधे से कंधा छोड़ो कंधे से ऊपर जा चुकी है और काम करने में, इसमें बहुत अच्छी बात है। इससे समाज में सोसाइटी में एक बराबर का जोश और बराबर का बोझ उठाने की क्षमता मिली है, और घर चलाने के लिए महिलाएं बहुत बड़ी सहभागी हो रही हैं। और इसके लिए मैं महिलाओं से अलग से रिस्पेक्ट है मेरे दिमाग में। रिस्पेक्ट क्या है, ये बेचारी घर का चूल्हा चौका ये चलाती हैं, 3 टाइम का खाना ये बनाती हैं, एक दिन के बच्चे को 20 साल का बच्चा ये करती हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, पूरे घर का कपड़े सफाई नहाना धोना सब कुछ करती हैं। इनका कोई संडे नहीं होता, कोई ब्रेक नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। तो काम करने में तो आदमी से बहुत आगे जा चुकी है महिला। तो संडे की छुट्टी तो आप भी ना लेते? देखो मैं तो एक एक्सेप्शनल केस हूँ, हमारे इसमें मेल वर्ग में, पुरुष वर्ग में तो ऐसे लोग भी जो 7 के 7 दिन भी छुट्टी पर रहे हैं। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ जो सुबह ताश खेलने के लिए बैठते हैं, शाम तक ताश ही खेलते रहते हैं, एक पशु तक को नहीं संभालते, वो लोग ऐसे लोग भी हैं। लेकिन महिला तो ऐसी एक भी नहीं है ना, इसलिए मैं ये कहूँगा कि महिला का जो योगदान समाज को चलाने में, घर को चलाने में, देश को चलाने तक भी, आज तो
फाइटर प्लेन भी उड़ाना शुरू कर दिया महिलाओं ने, स्पेस में भी जाना शुरू कर दिया जहाँ के आदमी सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए महिला बहुत सराहनीय काम कर रही है। देखो तो मतलब महिलाएं जो जॉब करे हैं, ये जॉब तो करे ही करे, साथ में बच्चे संभालना, अपने घर का सुबह काम करके जाना, उनको तो मैंने आपको एक बात बता दी, उनका उनकी अपनी पर्सनल लाइफ तो पैदा होने से सबसे पहले पानी का गिलास मंगाना होगा ना तो लड़की को बोला जाएगा, लड़का वहीं बैठा होगा, वहीं से शुरू होता उनका, उनका वहाँ से शुरू होके आखिर तक दादी बनने तक वो जिम्मेवारियाँ उनकी मुक्ति नहीं होती, जिम्मेवारियों से भरा पड़ा है उनका जीवन और जिम्मेवारियों में ही व्यतीत हो जाता है। ये ठीक है जो आजकल डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, IAS बन गई, IPS बन गई, उनकी तो लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई है, वो तो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आ गई उसकी वजह से उनकी तो लाइफ थोड़ी चेंज हुई है, लेकिन उनकी परसेंटेज कितनी है? बाकी का तो जो सारा समाज है ना वो इसी बात पर आधारित पड़ा है कि वो बेचारी कमा के ही खाती हैं और पूरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका घर ही महिलाएं चला रही हैं, यहाँ तक के भी हैं, मैंने घर देखे हैं और महिला बहुत अच्छे अच्छे फैसले भी ले रही हैं। अच्छा तो इन्हू बताओ, आपने युवाओं के लिए तो मतलब उस दिन बहुत बताया, तो लड़कियों के लिए बताओ आज की लड़कियों का क्या करना चाहिए? देखो लड़कियों को सबसे जरूरी जो मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, चैनल पर एक संदेश देना चाहता हूँ, जब तक उनकी मैरिड लाइफ स्टार्ट नहीं होती तब तक उन्होंने सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उन्होंने अपना एजुकेशन में अपना एक स्टैंड बनाना चाहिए, अपना एक लेवल बनाना चाहिए और इतनी पढ़ के निकलना चाहिए कि वो अच्छी जॉब में जाएं, अच्छे उसमें जाएं, क्योंकि जो ये आजकल जो मीडिया आ गया, TV आ गया, इंटरटेनमेंट आ गया, इसके अंदर ना घुसें, खासकर स्टूडेंट लाइफ में ना घुसें, बाकी की जो लाइफ है ना उसमें बहुत इंजॉय है, बहुत टाइम मिलता है, सब कुछ मिलता है, उस टाइम तक मैं ये कहूँगा शादी ब्याह में भी कम इन्वॉल्व हो, अपने काम में इन्वॉल्व रहें, अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व रहें और अपना एक लेवल बनाएं, क्योंकि आधी आधी तो लाइफ बन जाती है प्लस टू निर्धारित करती है आप इंजीनियर बनेंगे, आर्किटेक्ट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, उसके बाद जिस भी स्ट्रीम में आप जाते हैं, मैं ये कहता हूँ मैरिड लाइफ स्टार होने तक वो इंटरटेनमेंट की लाइफ की तरफ ना जाएं, ये मैं अपनी बेटियों को संदेश देना चाहता हूं, अगर वो इसको फॉलो करेंगी तो सुखी रहेंगे और इससे पहले वो और किसी भी इंटरटेनमेंट में घुसेंगी तो उनका जीवन में घाटा ही घाटा भुगतना पड़ेगा। देखो तो उस दिन है ना मेरे ताई के बारे में बात कम हुई, तो मैं उनके बारे में पूछना चाहूँ। क्या पूछना बेटा बताओ तो मैं। देखो तो मतलब है ना एक आदमी संघर्ष कर रहा है लेकिन उसके साथ फिर उसकी हम सफर है, तो उसमें कितना फिर प्रभाव पड़ा उस चीज का? देखो मेरे घर में मेरी तो एक आदत रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदमी इतना सक्षम होना चाहिए, आदमी औरत के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए इतना सक्षम होना चाहिए कि उनको तो घर चलाने की ही चिंता होनी चाहिए, बाकी काम का बोझ उन पर नहीं आना चाहिए, लेकिन आदमी अगर सक्षम नहीं है तो वो साथ देती हैं बराबर में खड़ा होके। अगर आदमी सक्षम है तो मेरे घर में तो कोई औरत जॉब करती नहीं शुरू दिन से और आज भी हम जॉब नहीं कराते, लेकिन मैं इनको लिए नहीं कर रहा जो जॉब करें, उनके मैं उनके हक में नहीं बोल रहा, उनको जरूरत है उनको जॉब करें, पर मेरे घर में मैं तो ये समझता हूँ, मैं खुद अपने आप को इस लेवल पर रखा है कि मैंने तो सब्जी भी खुद खरीद के ला के दिया, राशन भी ला के दिया, मैंने तो कभी बाजार में अपने कपड़े लेने तो 100 बार जाओ वो तो मैं परचेज कर नहीं सकता, बाकी मैंने कभी भी औरतों के जिम्मे अपना घर चलाना छोड़ा है, कमाना नहीं उनके जिम्मे छोड़ा है और उसके ऊपर कोई बोझ नहीं था किसी किस्म का, 2 किलोमीटर भी जाना होता तो ड्राइवर गाड़ी होती थी उसमें बैठ कर जाती थी। तो कितनी उम्र में शादी हो गई थी? शादी तो बेटा 21 साल की मेरी थी और तेरी ताई की 18 साल की उम्र थी जब शादी हो गई थी, और उस टाइम तो क्या शादी थी, उस टाइम तो माँ बाप ने कह दिया शादी होगी, ना कोई यूं पूछा करता भाई तना कराना है नहीं कराना है, ना ये पूछा करता तू सेटल है कि नहीं है, उस टाइम तो हर आदमी सेटल ही माना जाता था, सेटल क्या था, अगर आपका किसानी का काम है तो किसानी में रोटी खा रहे हो आप सेटल हो, आज का सेटल और तरह का हो गया भाई इसको सेटल होने दो, उस टाइम तो 21 साल की एज में मेरी शादी होगी और मेरे को कभी ये महसूस भी नहीं हुआ कि भाई गलत टाइम पर शादी होगी ना कुछ हो रहा, हम तो शादी एक जिम्मेवारी होती थी, वो परिवार ने कह दिया, माँ बाप ने कह दिया तो शादी होगी। तो देखो आज के जमाने में और पहले जमाने में यो तो फर्क है ना, और वे रिश्ते नहीं ब्याह भी करते, रिश्ते तो टूटे नहीं करते, नहीं ब्याह नहीं करते, बनो या ना बनो, विचार मिलो या ना मिलो, एक शब्द में बोलूंगा चाहे आपकी पसंद की लड़की है या नहीं है, चाहे वह काली पीली है ठीक है, चाहे वह सुंदर है या नहीं है,
कोई मतलब नहीं था इस बात से। जैसी आ गई वो घर की गृहिणी, वो घर की लक्ष्मी और वो घर की इज्जत होती थी। चॉइस इज नॉट ए गेम, कोई पसंद का सवाल नहीं था भाई तेरी पसंद की है या नहीं है। हमारे घर में आ गई तो हमारे घर की इज्जत है और ये अमर के इस गेट से निकलेगी। इससे पहले कोई सोच नहीं थी, हमारे टाइम में डाइवर्स नाम की चीज को कोई जानता नहीं था कि डाइवर्स भी होते हैं। और कभी कोई लड़की अपने मायके रजामंद नहीं गई, रूस कभी नहीं जाया करती। कितनी भी तकलीफ में होती रहती थी सास ससुर के पास, हस्बैंड के पास या अपने घर में रहती थी। उसका अपना ही घर होता था, अपने घर में रहती थी वो। अगर चली भी गई ना तो उसके पेरेंट्स ये कर देती थी अपने घर चला जा, यहाँ मत आइयो, यहाँ आए तो अपने पति के साथ आइयो या किसी घर के मेंबर के साथ आइयो, अकेले नहीं आना। इस तरह की एक नियम होता था और उस नियम में बड़ा सुखी नियम था, बड़ा अच्छा नियम था। उसमें ये विवाद नहीं थे जो आज विवाद हो रहे हैं। तो जो आज विवाद हो रहे हैं, जो पहले का टाइम था, तो ऐसा मतलब क्यों हो रहा है, क्या कारण है? देखो, जो पहले एक तो मीडिया नहीं था, ये सीरियल नहीं थे, ये पिक्चरें नहीं थी। आज क्या है, यूथ की जिस चीज़ को पसंद करता है उसके ऊपर सीरियल बनते हैं, यूथ जो पसंद करता है उसके ऊपर पिक्चरें बनती हैं। वो हमारा जीवन निर्धारित करती है, वो हमारे लिए आदर्श बन गई है। उसमें दिखाया क्या जाता है, घर कैसे टूटते हैं, सास कैसे का बहू के झगड़े दिखाए जाते हैं, माँ बाप में संबंध दिखाए जाते हैं। उसी उन्हीं को देख देख के ये चीज़ें पैदा होगी। नहीं तो समाज पहले तो ऐसा था कि इस तरह की कोई बात थी नहीं, समाज के अंदर कोई मतलब ही नहीं था कि इस तरह की कोई बात पैदा हो जाए, इसलिए नहीं टूटता था। ये जितना एक्सपोजर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एक वर्ड होता है एक्सपोजर, इसका होता है ज्ञान, हिंदी में मतलब इसका प्रॉपर वर्ड है मतलब जानकारी प्राप्त होना। जितना आदमी को जानकारी मिली है उतना ही आदमी आत्मनिर्भर हुआ, जितना आत्मनिर्भर हुआ उतना ही रिश्ते टूटते चले गए। जब आदमी दूसरे पर डिपेंड करता था तो ये फालतू के काम नहीं करता था, फालतू की बकवास कहूँगा ये नहीं करता था। ये बकवास जब शुरू हुई है, जब पेट में रोटी होगी और सिर पे छत होगी तो दूसरी तरफ आदमी ने सोचना शुरू कर दिया। पहले जरूरत ही पूरी नहीं होती थी तो आदमी और कोई बात सोचता ही नहीं था। अब क्या है कि हर आदमी सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, आत्मनिर्भर होने की वजह से ये चीज़ें ज़्यादा आ गई। मैं क्या तेरे भरोसे हूँ, मैं क्या तेरे भरोसे हूँ। और एक वो इज्जत होती थी कि भाई किस, ये कहते थे औरत का एक बार ही शादी होती है और आदमी की शादी तभी होती थी जब किसी की डेथ होगी या कोई मतलब ऐसे इंसिडेंट हो गया लाइफ में, अदरवाइज आदमी की भी दो बार शादी नहीं होती थी। पहले ये रीति रिवाज थी। अच्छा, तो उम्र ताई ने भी मतलब चाकी चलाई है जो पहले हाथ के चलाया करते, आटे की चाकी जो है ना, सुते उठ के पीसना, पाँच पाँच किलो, सात सात किलो रोज का आटा निकाला करते हाथ। हम हाथ के गंडासे से सानी काटते थे और वो हाथ से आटा पीसती थी। सुबह का यही काम होता था, हम स्टूडेंट थे तभी भी हमारा यही काम था। सुत्ता उठ के 50 पूड़ी बाजरे की 2 घंटे में कटिया करती, रोज हाथ के गंडासे से काटनी पड़ती थी। 4 बजे उठ के गंडासे लग जाते थे और घरवाली सब जो गृहिणी होती थी उनको सारा आटा, चाहे पशुओं का है चाहे आदमियों का, वो घर में ही पीसना पड़ता था। किसी की हिम्मत नहीं थी पिसाई दे दे और वहां पे साले पैसे ही नहीं होते थे किसी के पास। वो भी होया करता ना, मतलब सासू का डर भी होया करता। देखो, डर की बात ये थी, डर कह लो, रिस्पेक्ट कह लो, कायदे कानून कह लो, नियम कह लो, समाज की बंधस कह लो, बगैर बुजुर्ग के पूछे कोई भी घर में काम नहीं होता था। बाप से पूछ के बेटे काम करते थे और सास से पूछ के बहुएं काम करती थी और माँ बाप से पूछ के बेटियां काम करती थी। नियम ये था और सुखी थे सब, कोई तकलीफ नहीं थी। जितना आज साधन होते हुए जितनी परेशान आत्माएं आज जी रही हैं समाज के अंदर, मैं बताऊंगा आपको, अगर मैं कचहरियों में जाओ तो दो ही विवाद हैं, एक तो डाइवर्स और एक जमीन के बंटवारे। ठीक है, पहले ये काम थे ही नहीं, एक बुजुर्ग पूरे घर की प्रॉपर्टी बांट देता था। ठीक है, और डाइवर्स नाम की तो कोई चीज नहीं थी। ये दो विवाद इवन नई जनरेशन ने अच्छे तरह से इकट्ठे किए अपनी लाइफ में और इसकी वजह से मैंने तो, मैं कुछ इस सोशल काम करता हूँ, मैं जैसे लड़कियों की, लड़कों की शादियाँ कराना, उनको लड़के बताना, लड़कियाँ बताना, समाज में घर बताना, और कुछ जो आज विवाद होते हैं उनको भी मैं सुलझवाता हूँ बैठ के, अगर निमट सकते हैं, निमटाए भी हैं, ऐसा नहीं कि निमटाए नहीं, बहुत निमटाए हैं। लेकिन आज ज़्यादा विवाद हो गए हैं
और जिन जितना टाइम आगे बढ़ता जा रहा है ज़्यादा विवाद हो गए। हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कोई किसी की लड़की को मतलब लेके चला जाए, भगा ले जाए। मैं ये कहता हूँ पूरे गांव के अंदर 36 जात के अंदर अगर किसी आदमी की किसी लड़के की शादी होती थी तो वो गांव का बटे हुआ होता था और वो लड़की पूरे गांव की लड़की होती थी और पूरा समाज उसको मतलब अगर बस में चढ़ गई ना वो लड़की, किसी ने पहचान ली तो उस लड़की को सीट दे देते थे और उसके साथ उसका बटेव भी होता ना उसको भी सीट देते थे, खुद खड़े हो जाते थे और उसका सामान लेके उतार के उसके घर छोड़ के आते थे। ये थे संस्कार पहले, उस तरह का जीवन था। आज वाली बात नहीं है, आज तो कोई भी खड़ा रहो, बड़े बुजुर्ग भी खड़े रहते हैं, बड़े औरतें भी खड़ी रहती हैं, बच्चे वाली भी लेके खड़ी रहती हैं और कोई उठता नहीं सीट पर से, लेकिन आज भी उठते हैं। ये नहीं कि कोई नहीं उठता, मैंने गलत बोला है, सारे तरह के हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो उठते ही नहीं है। तो रिश्ते भी करवा दो आप? मैं बिल्कुल कराता हूँ, यह चीज तो मना जो मेरा पट्टी 36 बरादरी के। अच्छा, ये नहीं कि मैं मतलब जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ उसी के, 36 बरादरी के किसी भी मेरे पास से कोई भी संपर्क में आता है, समाज का दायरा बहुत बड़ा है, तो मैं लड़का लड़की इसलिए बताता हूँ, एक लड़की का जीवन निर्धारित होता है उसकी शादी होना, उसको अच्छा घर मिल गया, अच्छा लड़का मिल गया तो वो सारी उम्र के लिए सुखी हो जाती है। और एक घर के लिए एक अच्छी लड़की उस घर में आ गई तो वो घर भी स्वर्ग हो जाता है। दो घरों को स्वर्ग बनाने के लिए, दो आदमियों के जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए अगर हम आगे नहीं आएंगे, अपने आप अगर होते रहेंगे और ये विवाद बढ़ते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे बताओ? उसके एक बार बताओ, ये कहने के लिए पूरा देश खड़ा होता है कि फला आदमी की लड़की भाग गई लड़के के साथ, और तने कौन सा लड़का बताया था, तने कोई उसके लिए प्रयास किया था ब्याह शादी करने के लिए, तू बुराई को तो डंडोरा पीट रहा है, अच्छे काम के लिए आ गया। लोग पता क्या कहते हैं आज की डेट में, ये कहते हैं हम बीच में नहीं आएंगे, किसी का कोई भरोसा नहीं है, हम बुरा नहीं बनेंगे किसी का। अरे उस एक बार बता दो, कोई लड़की घर में रख लेगा क्या, कोई लड़का अपने लड़के नन मेरिड रख लिया क्या? शादियां आज भी हो रही हैं, पहले भी होती थी, तो समाज के काम तो समाज के लोगों को करने चाहिए, इससे उल्टा नहीं हटना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ ये जरूर है, आज की डेट में ये कह दो भाई देखो लड़का लड़की क्या है आप दोनों देख लो, हमें किसी हम आदमियों को जानते हैं, बुजुर्गों को जानते हैं, छोटे बच्चों को हम नहीं जानते, उनके बारे में वो कैसे हैं क्या है वो अपने आप पता कर लो, अपने लेवल पर पता कर लो। उनकी जिम्मेवारी हमारी इसलिए नहीं है कि हम पेरेंट्स की जिम्मेवारी लेते हैं, बच्चों की जिम्मेवारी अब नहीं लेते, पहले हम बच्चों की जिम्मेवारियां भी लेते थे, लेकिन आज बच्चों ने उन जिम्मेवारियों पे पानी फेरना शुरू कर दिया, तो हम भी थोड़ा सा इतना तो हम भी पीछे हटे हैं कि भाई लड़का लड़की के बारे में तू जान ले, घर ये है, इसका हालात ये है और इस तरह का आदमी है, इस तरह का ये है, इस तरह का ये, हम बताते हैं और कराते हैं। समाज का काम करना चाहिए, समाज का कोई भी काम करो, करने में क्या बुराई है? एक एक लड़की अगर गलत घर में चलेगी तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, एक गलत लड़की किसी के घर में आ गई तो उस घर का शांति सुख बर्बाद हो जाएगा। ये तो है, इसलिए हमें आगे आना चाहिए करने के लिए। और बरादरी बरूदरी कुछ नहीं होता, आप एक जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो उसी में काम करो। मैं 36 बरादरी के लोगों को जानता हूँ, सब तरह सब लोगों को जानता हूँ, सब में मेरे संबंध है, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को बताओ क्या दिक्कत है। मैंने तो SC के भी कराए हैं, बैकवर्ड के भी कराए हैं, बणियों के भी कराए हैं, पंजाबियों के भी कराए हैं और जनरल कास्ट के भी कराए हैं। तो वो क्या करा ना कि माड़ा आ जाए या पैदा हो जाए तो दोनों माड़े हो। देखो ऐसा होता ना, अच्छे आदमी को सब कोई पसंद करता है, अच्छी चीज को सब कोई पसंद करता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं क्या होता है, दो तरह की बात होती है, एक होती है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक नकारात्मक, ठीक है जी। जो कुछ नेगेटिव सोच के आदमी होते हैं, जो नकारात्मक सोच के आदमी होते हैं, आप कितना भी अच्छा काम कर लो उनके कमेंट आएंगे नेगेटिव, वो लिखेंगे उल्टी बात, ठीक है, क्योंकि वो किसी को देख के खुश नहीं हो सकते, वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है किसी की खुशी खुशहाली, कोई आदमी कामयाब है उसको देख के उनकी अंतरात्मा ना खुश नहीं होती, क्योंकि भगवान ने उनको नेगेटिव ब्रेन दे रखा है, नकारात्मक सोच है। और कुछ होते हैं सकारात्मक, वो बुराई में भी अच्छा ही ढूंढते हैं और वो हमेशा अच्छा ही करते हैं जिसका करते हैं। तो कभी भी जिंदगी में नेगेटिव आदमी जिंदगी में तरक्की नहीं करेगा और पॉजिटिव आदमी जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा,
इसलिए दूसरे के प्रति सोच आप हमेशा पॉजिटिव रखें, अच्छी रखें और अच्छी ही बात करें। खराब बात करने से कुछ नहीं होता। कुछ लोगों में जो ये नकारात्मक भरा है वो अपने पेरेंट्स के प्रति भी नकारात्मक होते हैं, अपने बिया बीबी के प्रति भी नकारात्मक होते हैं। उन्हें बात ही नकारात्मक करनी है, बस उनकी सोच में ही है। इसलिए अच्छा सोचो, बड़ा सोचो और बड़ा करने की सोचो और किसी के काम आओ और किसी के काम हल करने के लिए किसी हद तक भी अपना समय दो, खर्चा लगाओ और समाज का काम करो। समाज से बड़ा आदमी नहीं होता। तो अभी तो और भी गणे फोन आओगे, आप रिश्ते भी करवाओ हो पहले आओ थी गणे। बात यह है ना बेटा, खाली बात रिश्ते की नहीं है। आप तो पत्रकार हो, आपको तो एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना ही होता है। मैं ये कह रहा हूँ बात रिश्ते की नहीं है। मैं तो यूथ को गाइड भी करता हूँ। अगर किसी भी स्कूल को, किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर मेरा लेक्चर करवाना हो तो मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। मेरे को कॉन्टैक्ट करो, मैं वहाँ जाके यूथ को लेक्चर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यूथ भ्रमित ना हो, मैं चाहता हूँ यूथ अच्छे उस पर चले। यूथ का मतलब क्या है, जो आज पैदा हुआ है वो भी हमारी कमिंग जनरेशन है, जो जवान हो गया वो भी हमारी जनरेशन है, और हम हमारी एज में जो आ गया वो हमारी जाने वाली जनरेशन है। और समाज जो है ना, दुनिया जो है ना, ये सर्कल से चलती है, एक आ रहा है एक जा रहा है, ठीक है। अच्छे लोग अगर आते रहेंगे, अच्छे समाज में काम करने वाले लोग आते रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ लोगों का अच्छा जरूर करते हैं। इसलिए फोन आने की कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेरे से संपर्क करेगा तो मैं बेझिझक उसको उसका उत्तर दूंगा, बताऊंगा। मेरे हर कम्युनिटी में, हर जाति में मेरे संबंध हैं और अच्छे अच्छे लोगों से भी मेरे संबंध हैं, और जिसका भी लड़का लड़की होगी मुझे बताने में कोई परहेज नहीं, मैं बताऊंगा। देखो तो मतलब आपकी यह बात बड़ी पसंद आई मैंने कि मतलब यूनिवर्सिटियाँ में, स्कूलों में मतलब बड़े बुजुर्गों के लेक्चर होने चाहिए। जैसे आप है, आपका उम्र का भी तजुर्बा है, काम भी आपने कराया है, किस लेवल से शुरू हुए थे, रकड़े थी पहुंच गए हो, तो वो जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कोई गांव भी अगर इकट्ठा होके, उसमें 10% लोग भी इकट्ठे होकर अगर मेरी बात सुनना चाहते हैं, मेरे को बुलाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मैं उस गांव में भी कोई मैं किराया भाड़ा नहीं लूंगा। मैं अपने आपसे 200 किलोमीटर हो चाहे 400 किलोमीटर हो, जो वो समय देंगे, सुबह का देंगे सुबह पहुंच जाऊंगा, शाम का दे शाम। मैं तो पूरे देश में लोगों को ये गाइड करना चाहता हूँ, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या पथ भ्रमित हो रहे हो, कहाँ आप जा रहे हो, कहाँ नहीं जाना चाहिए। और आपको मार्गदर्शन जो परमात्मा ने मेरे को दिया है, मैं इसको बांटना चाहता हूँ। देखो चार चीज होती हैं, चार धन बल, विद्या बल, बाहुबल, राजबल, चार बल होते हैं। परमात्मा हर एक को किसी न किसी से नवाजता है। किसी को बुद्धि ज्यादा देता है, किसी को संपत्ति ज्यादा देता है, किसी को मैं शक्ति ज्यादा देता है जो पहलवान बन जाते हैं, और किसी को कुर्सी दे देता है राज की, चपड़ासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, उसको राजबल बोलते हैं, ठीक है। ये चार बल होते हैं। इन बलों का अगर आप सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो, सदुपयोग करो, तो आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। समाज एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसका आप सहारा बन सकते हो, ठीक है। एक दिन मैं द्वारका में से जाने लग रहा था, रात का टाइम था, किसी की बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, सर्दियों के दिन थे, 10 बजे हुए थे। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा भैया, उसकी लड़का, उसकी बीवी भी थी, एक बच्चा भी था और उस पर सामान भी था, और वो पैदल जा रहा था, और उसने सेक्टर 21 में द्वारका पे जाना था। वहां जाने के लिए उसको कम से कम 2 घंटे पैदल में लगने थे। मैं बोला भाई इन्हें तो मेरी गाड़ी में बैठा दे, मैंने तो अपना मोबाइल दे दे, मैं तेरे को घंटी मार देता हूँ, मेरा आ गया, ठीक है, और वहां पहुंच के तेरे को उल्टी घंटी मार दूंगा। इन्हें तो कम से कम छोड़ दूंगा ना मैं वहां पे, और तू बाइक खींच लिया, 2 घंटे में, 1.5 घंटे में आ जाएगा अकेला। तो रात के रोक के मैंने जबरदस्ती रोक के उनको बैठाया और उतार दिया, ठीक है। मैं अगर प्रयास ना करूं, मैं क्यों किसी की रात को जनानी बैठाऊं गाड़ी में, मैं क्यों रिस्क लूं, कौन है कैसे है, तो वो बेचारे पैदल चलते हैं, औरत भी पैदल चलती, बच्चा भी पैदल चलता, 10-10 किलोमीटर नहीं चला जाता रात को सर्दी के अंदर। तो प्रयास करो ना, आप कहाँ खड़े हो, क्या विपत्ति है समाज के अंदर, उससे निपटो ना, उसका उसकी सहायता करो ना। आप साथ से निकल गए, क्या मतलब हुआ उस चीज का, आप करो कुछ, आप क्या होगा, कल को मेरी भी गाड़ी खराब हो सकती है, मेरी गाड़ी में भी तेल खत्म हो सकता है, मेरी गाड़ी भी एक्सीडेंट होती है, मुझे भी तो समाज के लोग उठाएंगे ना, मेरे घरवाले आके थोड़ा ना उठाएंगे, क्योंकि हम जहां से भी गुजर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी को मदद की जरूरत है, आप बराबर से निकल जाते हो, क्या तीर मार दोगे वहां जाके, धरती उथल पुथल कर दोगे 10 मिनट में, 1 घंटे में, उसका काम करके चलो ना आगे ना। तो कहने का मतलब यह, समाज एक ऐसी चीज है, इसको मैक्सिमम हेल्प करो, जिस तरीके की कर सकते हो उस तरीके की करो। मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश में कहीं से भी मुझे कोई बुलाएगा, अगर वो गांव इकट्ठा होकर भी मेरी बात सुनना चाहता है तो मैं उसको गाइड करना चाहता हूं,
यूथ सुनना चाहता है, बुजुर्ग सुनना चाहता है, महिलाएं सुनना चाहती हैं, हैं बच्चे सुनना चाहते हैं, तो मैं तैयार हूँ। मैं तो स्कूलों में घुस जाता हूँ गेट खोल के और मैं कहता हूँ जी बच्चे इकट्ठे कर दो, मैं लेक्चर दे देता हूँ। मैं तो ज़बरदस्ती भी घुस जाता हूँ स्कूलों के अंदर और खड़ा करते हैं, उसके बाद कहते हैं जी बहुत बहुत बढ़िया बताया आपने बच्चों को। क्योंकि हम इस ज्ञान को ना जितना बांटोगे इतना बढ़ेगा, बिल्कुल। ये चारों बलों की एक तासीर होती है, उसको आप प्रयोग करोगे ना तो वो आपका बढ़ेगा। देखो तो मतलब आप ये मत सोचो इस ज्ञान में मैं लेकर मरूंगा, मैंने किसी तो ही नहीं देना, ये मेरे लिए है, मैं अपने लिए प्रयोग करूं, मैंने और आके ठेका ले रखा है, मैंने देश का क्या ठेका, ये भाषा लोगों की, मैंने देश का क्या ठेका ले रखा है, ये नहीं होता। आप धन है वो जरूरतमंद को बांटो, ज्ञान है वो जरूरत जिनको दो, जिन जिनसे उनकी लाइफ सुधरे, ठीक है। आप में ताकत है तो किसी को कोई तकलीफ दे रहा है गरीब को, उसके साथ खड़े हो जाओ, एक मिनट में हट जाएगा वो तकलीफ देने वाला। और आपके हाथ में प्रशासन है तो लोगों को खड़ा मत रखो, उनके काम करो, उनको निपटाओ, घर जाके सुखी से काम करेंगे, समाज चलाएंगे, देश चलाएंगे, समाज को देश में रहने वाले देश को समाज ही चलाता है। और समाज के लोग ना मेज का खड़े रखोगे, उनका काम ना करोगे, दुरुपयोग करोगे, पैसे लेने के लिए उनको हरेसमेंट करोगे, तो कैसे कैसे समाज चलेगा। तो चार बल होते हैं, धन बल, विद्या बल, बाहुबल, राजबल, इनका सदुपयोग करो। और ये जितना सदुपयोग करोगे आपके पास भगवान उतना ही फालतू देगा, ये कुदरत का नियम है। देखो तो मतलब पहले अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा बैठा करते, दादा तो और की बात सुनाया करते, तो ये चीज भी तो कम होगी ना आज के टाइम में। अरे भी वही तो बात आ गई ना, हाँ। आप सोशल मीडिया पे चले गए, मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, अब वहां जाते नहीं, टीवी पहले टीवी आया था, टीवी आगे बैठते थे, अब टीवी छोड़ के इस पे सोशल मीडिया पे आ गए, सोशल मीडिया को देखते रहते हैं। तो उसमें कम इसलिए हो गया, जिसके पास समय बचेगा तभी तो जाएगा उसके पास, जब उसके पास समय नहीं बचेगा वो चारपाई पे लेट के देखता रहता है, उसका टाइम पास हो जाता है, फिर सो जाता है, वो जाएगा कैसे उसके पास जाए, वो जब जाता था ना जब उसके पास कोई साधन नहीं थे, और वो तो सिखाते थे, वो तो आज भी तैयार है सिखाने के लिए, कोई सीखने वाला तो चाहिए तभी तो बताएंगे ना। देखो तो अगर बात करें तो अच्छे इंसानों को राजनीति में भी आना चाहिए ना, क्योंकि फिलहाल वोटिंग का टाइम चल रहा है, चुनाव भी नजदीक आना गए हैं। देखो राजनीति की अगर आप बात करते हो, मैं बताता हूँ क्या राजनीति उनका विषय था जो हेडमास्टर रिटायर हो गया, टीचर रिटायर हो गया, सूबेदार पेंशन आ गया, जिसके घर में कोई जिम्मेवारी मुक्त आदमी होता था, मैं समाज का काम करूंगा, घर से तेल फूकूंगा, घर से रोटी खाऊंगा और समाज का काम करूंगा, राजनीति उन लोगों का विषय था, समाज सेवा, समाज सेवा। अब क्या हो गया, ये प्रोफेशन हो गया, ये बिजनेस हो गया, इसमें कौन लोग आ गए जिसने ना कोई फैक्ट्री लाई, ना कोई बिजनेस चलाया, ना उसका कोई इतिहास आज तक क्या कराया क्या नहीं कराया, ठीक है, और कराया तो उसने अपना घर चलाया, देश के लिए कुछ नहीं कराया, समाज के लिए कुछ नहीं कराया। अब वो कहते मैं देश चलाऊंगा, अरे पहले तो घर चला, कोई समाज के लिए कुछ काम करे, कोई इतिहास देखो भी तेरा क्या इतिहास है। अब क्या हो गया, लोग भी ऐसे हो गए, अब झूठ को भी पसंद करने लगे, झूठ के बंडल फेंके जाते हैं उनको पसंद करते हैं। आज की डेट में क्या हो गया, राजनीति बात करते वक्त ये कहते हैं देख मेरे से साफ बात करिए, राजनीति ना करिए, इसका मतलब क्या हो गया, झूठ ना बोलिए मेरे को, घटिया बात ना करिए मेरे साथ। अब इस चीज का नाम राजनीति हो गया। और इस राजनीति में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो अपनी इज्जत से डरते हैं, वो इसलिए नहीं आते कि ऐसे लोगों की संख्या होगी जो उसको पीछे धकेल में कुछ भी कवा लो, कुछ भी बकवा लो, कुछ भी उससे करवा लो, है वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लड़ने मरने के लिए तैयार है, गाली देने के लिए तैयार है, सब लोग इसलिए नहीं आ रहे इसके अंदर कि वो इनसे डरने लग गए, इन लोगों से, इसलिए वो दूर हट गए। और इसलिए इसमें पढ़े लिखे लोगों को, सभ्य लोगों को आना चाहिए, सभ्य लोग आएंगे तो ये देश लूटने से बचेगा। एक विधायक 4 लाख आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, 2 लाख वोटर होते हैं, 2 लाख 18 से नीचे के होते हैं, हैं एक सांसद जो है ना कम से कम 35-36 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उसमें कुछ सामाजिक सोच ही नहीं है तो क्या प्रतिनिधित्व करेगा, अपना घर बनाते हैं लोग, अपने घर का काम करते हैं, अपना काम करके आते हैं, जब पैरों में जूती नहीं होती, कोई काम नहीं होता, पल्ले कुछ नहीं होता, जाते हैं जब वो पता नहीं बड़े बड़े मिलियनर बिलियनर क्या क्या हो जाते हैं, पंप चल रहे हैं उनके, फार्म हाउस बन जाते हैं, या बन जाते हैं, अरे कुछ खोल लिया नहीं, कुछ चलाया नहीं, कहाँ से आ गया ये पैसा। वो समाज का जो हक है उसको वो लोग खा जाते हैं, इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों का आना बहुत जरूरी है, आना चाहिए। ताकि एक बार बताओ, 8वीं पास IAS ने भी चला होगा, 7वीं फेल IPS ने भी चला होगा, हैं इंजीनियर डॉक्टर उनको सर बोलते हैं, अरे शर्म की बात है, स्कूल में एक दिन गया नहीं, पढ़ा ये है नहीं, हरफ इसको आता नहीं, अब इसको सर बोलेंगे जो इतने हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं जो अपनी जिंदगी का पूरा
सारांश लगा कहते हैं, वो उनको सर बोलते हैं और वो उनकी गर्दन नहीं मुड़ती क्योंकि उनमें संस्कार तो है ही नहीं, उन्हें कुछ सीखा तो है नहीं, वो पढ़े लिखे आदमी की कदर नहीं करते, वो बुजुर्ग की कदर नहीं करते, 70-70 साल के आदमी पैर घास लगाते हैं, भगवान है वो उनके पैर घास लगाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ किसी राजनेता के दरवाजे में मत खड़े हो, अपने आप अपने अपने काम में खड़े हो, अपना काम करो, किसी राजनेता ने आपका भला नहीं करना है। ये राजनीति करने वाले लोग अपने अपने भले के लिए आ रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, इनके दरवाजों के चक्कर मत काटो। अगर आपने कुछ करना है तो अपना काम करो और अपने पैरों पर खड़े हो। तो देखो आप जैसे लोगों को भी तो आना चाहिए राजनीति में। तो मेरे जैसे लोगों को आना चाहिए, मेरे जैसे लोग जो आते हैं, हैं कुछ लोग एकाध परसेंट आते भी हैं, ये नहीं आते नहीं है, उनको पसंद कौन करता है? उनको ना तो पार्टियां पसंद करती, ना उनको समाज के लोग पसंद करते, और जो आम आदमी पसंद करते हैं तो वो जो दूसरी दूसरे एलिमेंट हैं जो उल्टे सीधे धंधे करने वाले हैं, वो पैसे वैसे खर्च करके उनको उनको पीछे कर देते हैं, तो वो कहाँ से पैसे लेगा? आम आदमी कहाँ से पैसे लेकर आएगा? सभ्य आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, सूबेदार, हेडमास्टर के पास कितना पैसा होता है? वो तो भाई जो सभ्य लोग आएंगे, और जब तक वोट की राजनीति पार्टियों के प्रति होती रहेगी, पार्टियों को वोट मिलते रहेंगे ना, तब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे। जब लोग चुने जाएंगे ना, जब अच्छे लोग आएंगे, पार्टी किसी को भी टिकट देती। आप देखो इतिहास उठा के देखो, कितने क्रिमिनल लोग होते हैं जिन पर केस दर्ज हैं, वो एमएलए एमपी बने होते हैं और हर पार्टी में बने हुए हैं। पार्टी क्या देखती है, कौन जीत सकता है, किसके हाथ में क्या, उसी को टिकट पकड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे आंदोलन होते हैं इनके खिलाफ, उसके बावजूद उन्हीं को टिकट दे देते हैं। तो राजनीति का सत्र बहुत नीचे गया है, और जब तक ये सत्र ऊपर नहीं आएगा, जब तक समाज का भला होने वाला नहीं है। राजनीति को बिजनेस बना लिया, राजनीति बिजनेस हो चुकी है, वो उन आदमियों के लिए बिजनेस हो चुके जो किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हुए, वो राजनीतिक क्षेत्र में जाके और अपना अपना जीवन को ऊंचे उठाना चाहते हैं, लोगों की कॉस्ट पे, लोगों के अधिकारों हैं उनको बेच के, उनको उनको गलत इस्तेमाल करके। एक बात बताओ, पावर जो है ना कुर्सी में होती, व्यक्ति में नहीं होती। लोगों ने क्या शुरू कर दिया, जो सीट पर आ गया वो पावरफुल हो गया, नहीं डीसी बदली हो गया, तब वो डीसी नहीं रहा तो कैसे वहाँ की पावर यूज कर लेगा? उस कुर्सी पर जो बैठता है उसमें पावर होती है, व्यक्ति में पावर नहीं होती, कुर्सी में पावर होती है, और कुर्सी का जो दुरुपयोग करता है अपने लिए, वही सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, उनको कुर्सी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो कुर्सी समाज को न्याय देने के लिए, समाज के काम करने के लिए और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दी गई है, न कि खुद के लिए दी गई है, लेकिन खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सत्ता का दुरुपयोग करके वो आगे जाते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। तो आज के सीख देना चाहोगे लोगों को? मैं तो ये सीख देना चाहता हूँ, अपना काम करो, अच्छी पढ़ाई करो, बड़ों का कहना मानो, बड़ों के संपर्क में रहो, माँ बाप की कदर करो। और बेटियों के लिए एक मैसेज है कि अपनी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादियाँ मत कराओ, तबाह हो जाओगी। बहुत ज़्यादा मैं लोगों को देखता हूँ जो तबाह हो चुकी हैं, और इस आवेश में आके माँ बाप के घरों को ना छोड़ें और माँ बाप की मर्जी से शादियाँ कराएं। माँ बाप आपके हक में है, आपके खिलाफ नहीं है, और माँ बाप आपके लिए अच्छा चाहता है, और उस माँ बाप की पगड़ी को उछाल के मत जाया करो जिस माँ बाप ने तुम्हारे लिए पूरा जीवन लगा दिया, और वो अपने बेटे से ज्यादा बेटी को प्यार करता है। किसी बाप से जाके देख लेना, वो बेटी की जो रिस्पेक्ट करता है, बेटे की नहीं करता, लेकिन बेटियों ने क्या करना शुरू कर दिया, ये एक शोचनीय विषय है आज की तारीख में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छे रास्ते चलो, अच्छी पढ़ाई करो, अपना जीवन का निर्माण करो और हमेशा अच्छी दिशा में चलो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जिसको भी जहां भी मेरे को बुलाना हो, मेरे से कॉन्टेक्ट करके पूरे गाँव में, 10 गांव में, 50 गांव को इकट्ठे करके कहीं भी मेरा जो शब्द मेरे पास है, मैं ये बांटने के लिए तैयार हूं, जो चाहेगा मैं आ जाऊंगा। धन्यवाद। तो भाई ताऊ की अगर बात करें तो ताऊ समुंदर सिंह लाठर ने बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई, और छोए के ऊपर तो जो बात कही है ना, तो ये आज के टाइम का बिल्कुल कड़वा सच है कि मतलब दो दिन के प्यार के लिए चली जाए, लेकिन जिस माँ बाप ने पाल पोष के ओढ़ जोड़ कर दी तो वे बुरा सोचेंगे। तो आप भी जरूर बताइए कि ताऊ समुंदर सिंह लाठर की बातों पर आपने के कहना है, और इन तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो,
ताकि जो ताऊ का 70-73 साल का तजुर्बा है जो इन्होंने बताया है तो वो बच्चा दौरा जावे, लड़किया दौरा भी, लड़किया दौरा भी, और उनने भी कुछ सीखने मिले। कितने कितने वे गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसके पीछे नट जाए, क्योंकि मोटिवेशन का बड़ा प्रभाव पड़ा अगर हमारे उस पर कहा कर अभी अगर जिसी संगत उसी शोभा, तो मतलब जैसा देखोगे उसाए सीखोगे। तो तस्वीर ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, फिर ताऊ समुंदर सिंह लाठर तो फिर मिलते जुलते रहेंगे। जब नहीं होगा भी किसी टॉपिक पर फिर ताऊ तो मिलना, कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि हम ताऊ दो रहा हूं तो हमने भी बहुत कुछ सीखना मिला है। तब तक के लिए जय हिंद।